सुपेला चौक से गदा चौक तक सड़क के दोनों ओर हुए अवैध कब्जों को हटाने और ठेले खोमचों वालों को खदेड़ने अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान की वजह से सुपेला चौक से गदा चौक तक सड़क पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो चुकी है। संडे मार्केट सुपेला में अवैध रूप से सड़क के दोनों ओर व्यापार करते व्यापारियों, सड़क किनारे बनी दुकानों के संचालकों द्वारा दुकानों से बाहर सामान रखकर बेचे जाने की क्रम में प्रतिबंध लगाने को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा बीते रविवार को सुपेला चौक से गदा चौक तक सड़क के दोनों किनारों को कब्जा मुक्त करने विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। इस बार शुरू किए गए अभियान में नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर कमर कस ली है। यही वजह है कि रविवार को कार्रवाई के उपरांत सड़क को पूरी तरह से कब्जा मुक्त करने, मंगलवार को भी नगर निगम की टीम द्वारा यहां कार्रवाई की जाती रही। नगर निगम की कार्रवाई का खासा असर भी देखने को मिला है। सुपेला चौक से गदा चौक के बीच दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो चुकी है। ठेले खोमचे वालों द्वारा भी सड़क से दूर हटकर ठेला लगाकर व्यापार किया जा रहा है। मंगलवार को उन दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके द्वारा रविवार को हुई कार्रवाई के उपरांत फिर से अवैध कब्जा कर अपने व्यापार को शुरू किया गया था। निगम अधिकारियों ने अपनी नज़रों के सामने उनके अवैध कब्जों को कर्मचारियों के माध्यम से हटवाया, साथ ही जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई भी की गई। इसी तरह जिन ठेला खोमचों वालों द्वारा सड़क से लगकर ठेला लगाकर व्यापार किया जा रहा था, उन्हें भी वहां से खदेड़ा गया। साथ ही दोबारा सड़क किनारे व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान यह भी देखने को मिला कि पुराना सुपेला मार्केट में अब भी अवैध कब्जा बरकरार है। यहाँ भी सड़क पर बैठकर सब्जी वालों द्वारा रास्ते को बाधित किया जा रहा है, साथ ही सड़क के बीचों बीच वाहन पार्क कर यातायात को बाधित करने का प्रयास भी वाहन चालकों द्वारा किया जा रहा है। इन्हें स्थल से हटाने नगर निगम प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़क को पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया गया है। अभियान की जानकारी नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू ने दी। संडे मार्केट से लगातार आवागमन बाधित व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए लगातार 2 दिन 3 दिन से कार्रवाई की जा रही है। अभी उसमें मॉनिटरिंग भी ये गाड़ी चलवाया जा रहा था कि कोई सब व्यवस्थित है कि नहीं है। उसमें देखा गया कि इसके आस पास में कुछ दुकानदार आगे बढ़ गए थे और उनको समझाइश दे के वापस फिर पीछे सामान वामान अंदर कर लिए हैं और ये सतत निगरानी की कार्रवाई निरंतर रूप से निगम द्वारा करी जाएगी। स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। निगम द्वारा जो कार्रवाई हो रही है सर, ये तो बहुत अच्छी काम है और निगम जो पहल कर रहा है ये इनको और पहले करना था। ये जो भीड़ लगती थी अभी रोड रास्ता एकदम क्लियर हो गई है और जो भी दुकान से अगर थोड़ा सा भी बाहर करते हैं, मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि कम से कम 5,000 रुपया फाइन किया जाए और प्रशासन एक दिन पर डे आके एक चक्कर मार के जाए। बहरहाल ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि नगर निगम प्रशासन ने किसी कार्रवाई को पूरी तरह गंभीरता से अंजाम दिया है। रविवार को ही कार्रवाई के बाद से नगर निगम के राजस्व अधिकारी और कर्मचारी लगातार सुपेला चौक से गदा चौक के बीच सड़क के दोनों किनारों पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ अवैध कब्जों को हटाने के साथ जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई भी साथ में की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।